वेरी गुड मॉर्निंग रेसिंग बुक। नमस्कार भाइयों, आप सबका हार्दिक स्वागत है मेरे चैनल में मैसूर रेस कार 27 सितंबर 2024 के लिए। भाइयों, रेस कार जरा कठिन दिख रहा है। दो रेस क्लास 5B की है, दो रेस 9B की है और दो कप वाली रेस है। बड़ी कंपेटिटिव है, तो संभाल के खेलियो। हर रेस में एक छुपा हुआ घोड़ा रहता है, उसका नाम है स्किप इट, छोड़ दो। तो मैं तो काफ़ी छुपा हुआ घोड़ा काफ़ी खेलता हूँ, स्किप इट वाला, लेकिन आप लोग नहीं खेलते। तो ये स्किप इट घोड़ा खेलने से आपको फ़ायदा होगा, क्योंकि सब रेस में उंगली करना वो कुछ ठीक नहीं है। नोबडी कैन विन ऑल द रेसेस बुक, देयर इज एन एक्सप्रेशन, यू विन सम यू लूज सम एंड सम यू डोंट प्ले। आई फॉलो दैट। तो गोइंग स्ट्रेट टू द रेस, इज द फर्स्ट रेस द पेनम्बूर प्लेट, क्लास 5 की रेस है। डबल विजन प्लेस हो सकता है, लेकिन भाव नहीं होगा। जॉइंट फेवरेट है क्विक विटेड के साथ। ये घोड़ा दिखने में बहुत फिट दिखता है, लेकिन वो उसकी जो स्टाइल है रनिंग, वो हेड कैरेज बड़ा ऊपर ऐसा स्टिप रखता है। दैट इज इज ओनली डाउनफॉल। बाकी घोड़ा एक दो बार बहुत पैसे भी लगे थे, तो उसका मतलब नहीं कि क्लास 5B के घोड़े तो कैन फूल द ओनर एंड द ट्रेनर को भी फूल कर सकते। इसलिए मैं काफ़ी रेस क्लास 5B की रेस छोड़ के चलता हूँ। सेकेंड रेस में चलते हैं द शिमशा प्लेट, हैंडीकैप 5 years एंड ओवर, कन्फाइंड टू माइसोर बेसिस हॉर्सेस ओनली, क्लास 4 की रेस है। बिपिन सालवी के दो घोड़े हैं, मैजिक सर्कल और फ्लाइंग फॉल्कन। ये मैजिक सर्कल हैज बीन विद्रॉन 2 times आई थिंक बाय द गेट। वो कुछ जॉकी को गिडीनेस आ गई थी। इट वॉज वेरी काइंड ऑफ स्ट्रेंज थिंग, बट फ्लाइंग फॉल्कन रन्स विद अ वेरी गुड चांस। नंबर 3 बैटिंग देखना, बिपिन सालवी भी थोड़ा जुगाड़ी ट्रेनर है। आइलैंड लैस रैन अ वेरी गुड रेस विद द ब्लिंकर ऑफ लास्ट टाइम, छोटी परी के साथ शी वॉज स्प्रिंटिंग। 1100 मीटर जाना है, 100 मीटर कम है, तो ये दोनों में रेस होनी चाहिए। स्काई स्टॉम बम्बई का घोड़ा लास्ट टाइम गेट पे बहुत लगा और उड़ता उड़ता आया, तो अगर पैडक में फिट दिखे तो मैं कुछ प्लेस वगैरह सोचूंगा। बाकी फ्लाइंग फॉल्कन शुड विन आई थिंक दैट रेस। द थर्ड रेस ऑफ द डे द आंटी पे प्लेट, ये रेस तो क्लास 5, ये रेस तो मैं ज़रूर मेरा छुपा हुआ घोड़ा ही खेलूँगा। स्किप इट छोड़ दो, छोड़ना जब तक नहीं सीखोगे तब तक रेस में पैसा बनाना बहुत कठिन होता है। काफ़ी घोड़े हैं, बात करने का भी कोई मतलब नहीं बनता। द नेक्स्ट रेस ऑफ द डे इज द फोर्थ रेस, द रंगा फैमिली ट्रॉफी Division 1 Class 4। इट्स अ नो विप रेस। द फर्स्ट टाइमर डिसाइपल वेरी वेल ब्रेड मल्टीट्यूड आउट ऑफ डिवोटी अर्जुन मैंगलोर का ट्रेनी, राजन अग्रवाल वेरी लकी ओनर। बड़ा इम्प्रेसिव जीता था अमिता मेहरा का और राजन अग्रवाल की पार्टनरशिप का घोड़ा। ये विदाउट विप से ही जीता था। आप उसकी वीडियो देखोगे तो ही वॉज नॉट विप, जो जीता उसको बहुत सेकेंड हुआ उसको बहुत विप मारा था रॉडनी। तो ही स्टैंड्स अ वेरी गुड चांस, बट भाव शायद ऑन मनी खुलेगा। अगर 90 पैसा मिला तो मैं खेलूँगा, बाकी 60-70 पैसा में बाय बाय। रिवर ऑफ गोल्ड एंड सी ऑफ एडवेंचर। रिवर ऑफ गोल्ड भी 9 विप की रेस में उड़ता हुआ सेकेंड हुआ है, उसका भी शायद भाव नहीं मिलेगा प्लेस में। शायद 11 नंबर सी ऑफ एडवेंचर का भाव मिल जाए। वो सी ऑफ एडवेंचर वॉज रनिंग लास्ट टाइम 13 महीना के बाद, गैप के बाद, और रायन अहमद से कंट्रोल नहीं हुआ। वेन हॉर्स इज रनिंग आफ्टर अ लॉन्ग ले ऑफ दे आर वेरी फ्रेश, बड़ा फ्रेश होता है घोड़ा 13 महीने के बाद। तो घोड़ा भाग गया और फिर उसने विप मारा तो और शिफ्ट हो गया।
तो ये 9वीं प्रेस है और कौशिक कुमार को बिठाया है मुन्नप्पा ने, वो विप का काफ़ी गुड़, उसकी पूछ ऊपर चली गई थी तो ही डिड नॉट लाइक द विप, बट ये लॉट ऑफ स्पीड, रॉ स्पीड, एंड ये काम भी बहुत बढ़िया खा रहा है। तो प्लेस अच्छे भाव में अगर फिट हुआ तो प्लेस में ज़रूर इसकी खेलूँगा। डिसाइपल अगर 60 पैसे में आए तो मैं तो ऑन मनी खेलना छोड़ दिया हूँ। फिफ्थ रेस ऑफ द डे द MB अपाया मेमोरियल ट्रॉफी क्लास 2 की रेस है। ये रेस बड़ी कंपेटिटिव दिख रही, क्लास 2 के घोड़े हैं लेकिन लेटेस्ट फॉर्म क्लास 2 जैसा है नहीं। स्टेलांटिस सूरज भाई का घोड़ा फॉर्म तो बड़ा कमज़ोर है। एरालीना आई लाइक लिटिल बिट, 8 नंबर एरालीना अर्जुन मैंगलोर करके राजन अग्रवाल डबल हो सकती, सकलेन चला रहा है। 51 किलोस पे जो जाते हैं ना उसका डेफिनेटिव एडवांटेज रहता है, वो छोटी सी बैट आप कर सकते हो, बाकी ग्रिजली भी अपसेट कर सकता है। और ये सगेरा तो कमाल का घोड़ा है, 66 किलो है तो भी भागते ही रहता है। द महाराजा कप द नेक्स्ट रेस, द महाराजा कप ग्रेड 2, 3 घोड़े 4 घोड़े की रेस दिख रही है। शैमरॉक लास्ट टाइम सूरज भाई जरा जल्दी निकाल गए 1400 मीटर में और पीछे से वंस यू गो ब्लैक मार गए। सूरज की स्टाइल है वो तो वही करेगा, 1600 हो कि 1400 बैंड के आगे फिर वो लीड लेना चालू करता है। ये प्राणा इज़ द मोस्ट इम्प्रूवड हॉर्स इन दिस बंच, प्रसन्न कुमार इज वन ऑफ कमिंग आउट टू बी द बेस्ट ट्रेनर आई थिंक इन इंडिया नाउडेज। तो एंथनी राज चला रहा है, सूरज ने ही जिताया था वो। और अगर आपको प्लेस में अगर आयन क्लैड का भाव मिले तो वो देख सकते हो, बाकी शैमरॉक भी ऑन मनी होगा तो मैं ऑन मनी तो खेलता नहीं, तो नहीं तो फिर मेरा छुपा हुआ घोड़ा स्किप इट करके बैठ जाऊँ। रोज़ रेस होती है भाइयों, तो रेस की कोई कमी है नहीं, सिलेक्टेड बैटिंग करोगे तो ही महीने के बाद कि हफ्ते के बाद जीत के निकलोगे, नहीं तो प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम। 7th रेस दरंगा फैमिली ट्रॉफी डिवीजन 2, ये भी 9वीं की रेस है क्लास 4, ये भी काफ़ी ऐसे तो पेपर पे 1 नंबर ट्रू पंच और रेड फॉल्कन में दिखाई दे रही है रेस। ट्रू पंच मेडन 3-year-old मेरा गुड बैट था, पूरी लाइन उसके आगे जो थी वो सब जीते हुए थे, एक ही रह गया था, लेकिन अभी क्लास 3 इधर से क्लास 4 में टॉप वेट आता है तो एक बुकी लोग की एक हैंडीकैपिंग थियरी है कि मेडन 3-year-old तोड़ के क्लास 4 में जो टॉप वेट होते हैं वो घोड़े नहीं जीतते। तो मैं तो इतने उसमें खाली 40% हैंडीकैपिंग की थियरी तो बहुत है मानता हूँ। 12 नंबर का ड्रॉ भी जरा बाहर का ड्रॉ है ये रेस तो नो भी पर रेड फाल्कन लास्ट टाइम बम्प्ड हुआ था और फिर कोई चांस ही नहीं था, वो 400 किलो के नीचे का घोड़ा है तो आई डोंट थिंक मैं 400 किलो के घोड़े जीतते लेकिन काफ़ी परसेंटेज हार जाते प्लेस में देख सकते हो लेकिन भाव नहीं होगा। एल अलमीन बॉटम वेट पे जा रहा है तो शायद मुंडी डाले अंदर, ये रेस भी मेरे हिसाब से मैं उस छुपा हुआ घोड़ा वाली रेस है स्किप इट करके। लास्ट रेस में चलूँगा 8th रेस द सन ऑफ द लाइट प्लेट क्लास 4। नंबर 1 टावर क्वेस्ट वॉज क्वाइट इम्प्रेसिव इन क्लास 4 विनिंग में, फिर उसके बाद वो क्लास 3 में गया, क्लास 3 में दे डिड नॉट मच ट्राई और अगेन बैक टू क्लास 4। वजन देखना उसका, वो 400 किलो के आसपास का घोड़ा है, अगर बहुत वजन गिर गया तो लास्ट टाइम भी थोड़ा वजन गिर गया था तो वो, पर एक घोड़ा जो पसंद है प्लेस में कि अपसेट कर सकता है वो 4 नंबर है सार्जेंट रेकलेस की मुन्नप्पा का घोड़ा फैज बैठ रहा है, 4 किलो का अलाउंस लिया है वो भी काफ़ी टाइम के भाग रहा था और खाली रन ही दिया है उसको, अगर आप वीडियो देखोगे तो आज अगर पैसे लगे, ये तो मैसूर है, मैसूर में तो मैं भूल गया शुरुआत में बोलना चाहिए था कि ओपनिंग ऑड मिडल ऑड क्लोजिंग ऑड देखना, काफ़ी उछल कुदाव होते रहते
काफ़ी ए लॉट ऑफ चेंजेस हैपन इन माइसोर बुक द ओपनिंग ऑर्डर एंड द लास्ट ऑर्डर लास्ट लगने वाले घोड़े जीतते रहते तो द रेस बिटवीन एनालाइट टच एंड सार्जेंट रेकलेस टावर क्वेस्ट टावर प्लेस इज गैम्बलिंग ओनर का जैसा है तो बैटिंग ट्रेंड देखना और बॉडी वेट भी देखना तो गैम्बल सेंसिबली संभाल के खेलियो बहुत रेस है अगला महीने में तो 4 डर्बी है डर्बी तो कंपेटेटिव होती है लेकिन कार्ड बढ़िया होता है रेस कार्ड तो उसमें जरा तलवार निकालना आजकल जरा ये मैसूर चेन्नई ये सब सोशल सेंटर है ज़्यादा पैसा नहीं और वेरी सिलेक्टिव छुपा हुआ घोड़ों को याद रखना उसका नाम है स्किप इट थैंक्स फॉर वॉचिंग हैव अ गुड वन बाय बाय टेक केयर